हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम टू रेडी सेवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे मेरी एडिट सारी में, आई होप आप हमेशा की तरह एकदम मस्ती होंगे। ओके सो गाइस, जो जो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करता है उसे पता होगा मैंने अभी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करी थी अपने शरीर में आयरन हुआ, जिसका मेरा कंसेप्ट है स्पोर्ट्स कार कंसेप्ट, एंड जिसके नीचे काफी तो कमेंट लगे थे आप सब लोगों के कि इसका वीडियो लेगा कोई ट्रोल लेगा। सो गाइस दिक्कत की बात है ना, तुम्हारा भाई लेके आ गया। एंड गाइस जो भी मैं इसका बैकग्राउंड पिन यूज करूंगा उन सबका लिंक आपको नीचे हमेशा तरह नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो इजीली। एंड गाइस एक चीज और, ये आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी तभी आपको एडिटिंग समझ में आएगी, अदरवाइज बीच में स्किप कर दोगे तो ये कुछ एडिटिंग के स्टेप मिस होने के बाद आपकी एडिटिंग परफेक्ट नहीं हो पाएगी। ओके तो वीडियो को पूरा देखना। सो गाइस एक चीज और, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जाओ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, वहां पे मैं डेली अपडेट डालता हूं फोटो वगैरह की, तो जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो अब जाए टाइम वेस्ट कर चलता मेरे तरफ। ओके गाइस, तो सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले गाइस मैंने अपनी फोटो को इसमें ऐड कर रखा है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, जो कि मेरी ओरिजिनल फोटो है। ठीक है, तो गाइस इस एडिटिंग के लिए आपको अपनी फोटो चाहिए, फुल फ्रेम में फोटो चाहिए ऐसी जैसे मैंने क्लिक करा रखी है, तो आप भी कुछ इस तरह के पोज में फोटो क्लिक कर लेना बढ़िया सा। देन हमें इसका बैकग्राउंड इरेज करना है, तो बैकग्राउंड इरेज करने के लिए गाइस हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे टूल में, देन हम जाएंगे गाइस फ्रीकोप में, देन यहाँ पे जाने के बाद ब्रश सेलेक्ट करना है हमको, एंड ये पूरा हमको पूरी बॉडी पे मारना है। ओके मतलब हमें पूरी बॉडी चाहिए तो पूरी बॉडी पे हमको ये ब्रश मारना पड़ेगा, तो मैं इसको मार लेता हूँ जल्दी से। सो गाइज मैंने इसका पूरा बैकग्राउंड इरेज कर लिया अपनी फोटो का, अब मैं जस्ट सिंपली क्या करूँगा गाइज, ड्रॉ टूल पे जाके अपनी फोटो को हमको सेव कर देना है, ये हमारी फोटो हमारे मोबाइल में सेव हो जाएगी पीएनजी मोड में। ठीक है, देन गाइज हमको इस बैकग्राउंड को लेना है, यार बैकग्राउंड ठीक है जो कि काफ़ी डोप बैकग्राउंड लग रहा है, ये जो गाड़ी है ना गाइज, कौन सी सेवरलेट की कोई गाड़ी काफ़ी डोप लगती है, मुझे काफ़ी पसंद है गाड़ी, तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड में इस वाली कार को मैंने यूज़ करा। ठीक है, तो गाइस अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें जाना है ऐड फोटो के अंदर, ऐड फोटो पर जाने के बाद गाइस आपको अपना मॉडल का पीएनजी लेके अपने बैकग्राउंड के ऊपर ऐसे लगा देना है सिंपली। ओके फिर गाइस हमको सिंपली यहाँ से डन कर देना है। सो गाइस काफी इजी स्टेप है, मैं आपको एडिटिंग बताऊंगा तो आप देखते रहना, अपना चिल मार के दिक्कत मत लेना कि हार्ड है कोई दिक्कत मत, तुम्हारा पास काफी इजी स्टेप में बता देगा। ओके गाइस, सो गाइस अब हमें करना है गाइस, अब मैं जाऊंगा गाइस ऐड फोटो के अंदर, ऐड फोटो पर जाने के बाद गाइस मैं लूंगा लेंस फ्लेयर के पीएनजी, जो कि हमें गाड़ी के हेडलाइट पर लगाने हैं, तो इस दो पीएनजी को हमको ले लेना है, देन ब्लेंड पे जाके हमको स्क्रीन करना ये वाला पीएनजी को, देन इसका साइज बड़ा करना है ऐसे। ओके देन इसको आपको लाइट के ऊपर ऐसे लगाना है, इससे क्या होगा, इस जो आपके बॉडी में हिट मारेगी इसकी लाइट, देखिए ना आपके जो बॉडी में इसकी लाइट भी आएगी, आपके पैंट में देखो मेरे जो जीन्स है ब्लैक कलर की, इसमें आप देखो लाइट पड़ रही है, यहाँ पे पहले नहीं पड़ रही थी, तो इससे हमारे फोटो में रियलिस्टिक लुक आएगा। तो मैं इसको साइड साइड से डिलीट कर देता हूँ, जो भी साइड साइड में थोड़ा थोड़ा सा एरिया आ रहा है ऐसे, है ना, एंड डन कर देना। फिर हमको लेना दूसरा वाला पीएनजी सेम ऐसी, देन इसका भी ब्लेंड पे जाके स्क्रीन करके साइज बड़ा करके इसको भी ऐसे लगा देना, देन इसका भी हमको साइड साइड का जो ये लाइन दिखती है ना गाइस, इसको इरेज कर देना हमको, कौन सा इरेज कर रहा हूँ सॉरी, ये वाला करने लगा था मैं, वही कह रहा लाइन कैसे गायब नहीं हो रही, तो इसको भी हमको इरेज कर लेना है ऐसे, फिर बाद में हल्का फुल्का मैनेज कर लेना अपने हिसाब से आप, एंड फिर डन कर देना। ओके गाइस, सो गाइस मैं अब जाऊंगा ऐड फोटो के अंदर, ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस मैं इसमें लगाऊंगा स्मोक का पीएनजी, जो कि स्मोक का कौन सा मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें एक मूवी क्रेडिट पीएनजी तो ये रहा, इसको तो मैं कट कर देता हूँ अभी, देन इस स्मोक के पीएनजी को गाइस हमको अपनी फोटो के नीचे लगाना है ऐसे। तो गाइस इसलिए हमको इधर शैडो वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमारा शैडो वगैरह इसकी होगी शूज की, ये हमारा स्मोक कवर कर लेगा दिखेगा नहीं, तो इसको हमको सिंपली स्मोक को नीचे लगा देना है ऐसे, एंड डन कर देना। ओके ओके गाइस, सो गाइस अब मैं जाऊंगा ऐड फोटो के अंदर, ऐड फोटो पर जाने के बाद गाइस अब मैं लगाऊंगा इसके अंदर कुछ टेक्स्ट पीएनजी, जो कि हमारे फोटो के अंदर मूवी पोस्टर जैसा लुक देंगे, तो मैं सबसे पहले लूंगा डोज का एरा, देन डोज का हमको यहाँ पे लगा देना है अपने लेफ्ट साइड में ऊपर, क्योंकि गाइस आप मूवी पोस्टर में देखोगे जगह जगह क्रेडिट के नाम लिखे होते हैं, मूवी का क्रेडिट वगैरह लिखा होता है, मूवी का नाम वगैरह, तो इससे ही हमारी फोटो में एक उस तरह का लुक आएगा मूवी पोस्टर की तरह। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो मूवी क्रेडिट का पीएनजी है ना, इसको मैं अपने नीचे लगा देता हूँ ऐसे। ओके सो गाइस एक चीज और, अगर इसके अंदर जो भी मैं बैकग्राउंड पीएनजी यूज कर रहा हूँ ना, उन सब का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब वहाँ पे जाके डाउनलोड करके इन सब पीएनजी को यूज कर सकते हो। इसको लगाने के बाद सिंपली यहाँ से डन कर देना, फिर मैं जाऊँगा गाइस ऐड फोटो के अंदर, एंड गाइस एक पीएनजी और लगाऊंगा मैं, ड्रिफ्ट टुमारो,
ठीक है। तो कुछ लोगों का गाइस मूवी टैक्स पेन जो होती है यहाँ पे भी लगाना होता, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि फिर इससे मेरी बॉडी कवर हो जाएगी, तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। एंड गाइस एक चीज़ अच्छी बात है, ये जो मेरे जैकेट कलर से मैच कर रहा है, ये जो फोन का कलर है ना, ये मेरी जैकेट से मैच कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है मेरे लिए। तो मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा ऐसे, एंड फिर सिंपली डन कर देना है। तो गाइज ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारे कॉन्सेप्ट का पूरा सैंपल तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसमें कलर ग्रेडिंग करनी है एंड साइन इफेक्ट देना है। तो सबसे पहले मैं इसमें अभी साइन इफेक्ट दे लेता हूँ, जिससे मैं अपने बॉडी पे एंड अपने फेस पे ग्लो मारूंगा। तो इसके लिए गाइज मैं जाऊँगा टूल्स में, देन एडजस्ट पे जाना है, ब्राइटनेस बढ़ानी है गाइज हमको अपनी फोटो की, ये 14 एंड इरेजर टूल पे जाके पूरा इरेज कर देना। फिर इस ब्रश को लेके गाइज आपको जहाँ जहाँ साइन चाहिए वहाँ वहाँ आपको मारना है। तो मैं इसको मार लेता हूँ, ओके गाइस। तो मैंने इसके अंदर अपनी बॉडी के अंदर पूरा साइन इफेक्ट मार लिया। अब मैं आपको देता हूँ फोटो मेरी पहले कैसी थी एंड अब कैसा लुक आ रहा है। तो यहाँ से आप ब्राइटनेस मैनेज कर सकता हूँ, कितनी ब्राइटनेस चाहिए। तो मैं जो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा साइन चाहिए, तो मैं इसलिए इसको 21 रख दूंगा एंड डन कर देना। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ये काफ़ी ज़्यादा मेन होता है गाइस। हम फोटोशॉप के अंदर इसमें डोजन बन कहते हैं इसको, लेकिन जो पिक्सआर्ट के अंदर तुम्हारे भाई ने नाम दे दिया, कुछ भी साइन इफेक्ट दे दिया, तो चलता है यार अपने को, क्या अपने को तो काम निकालना है, बस बोल तो पानी निकालना है। तो गाइस हमारे इसमें सारा काम हो चुका है, देख लूँ कोई PNG वगैरह रह तो नहीं गया, मूवी क्रिएट कर डाल दिया, स्मोक डाल दिया, सब डाल दिया। तो अब मैं जस्ट सिंपली हमारा कॉन्सेप्ट रेडी एंड से फोटो कर देना है सेव। अब हम ओपन करेंगे लाइट रूम बाबा। तो लाइट रूम एप्लीकेशन मैं ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस अगर आपको लाइट रूम का मॉडल वर्जन डाउनलोड करना है, यानी जो मैं यूज़ करता हूँ जिसके अंदर सारे फ्यूचर अनलॉक है, तो मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट में एक बटन है डाउनलोड, उस पर क्लिक करके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो जाओ जल्दी से डाउनलोड कर लो जिसके पास नहीं है लाइट रूम का प्रीमियम वर्जन। तो अब मैं इसके अंदर अपनी फोटो को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस ये मेरी फोटो लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो चुकी है। अब मैं जस्ट सिंपली इसके अंदर कलर ग्रेडिंग करूंगा, जिससे हमारी फोटो में एक अच्छा सा लुक आ जाए। तो गाइस सबसे पहले गाइस मैं इस फोटो में शेडो बढ़ाऊंगा, जो कि काफ़ी मेन चीज़ है एडिटिंग में हमारी, देन ब्लैक को ऐसे कम करना है। फिर गाइस मैं जाऊँगा नीचे वाले टूल पे, मिक्स पे सेकंड कलर सेलेक्ट करूंगा ऑरेंज, जो कि हमारा फेस का कलर है, देन इसको ल्यूमिनस को ऐसे बढ़ाऊंगा, इससे हमारा फेस ब्राइट हो जाएगा बिल्कुल। एंड सेचुरेशन को हल्का सा कम कर दूंगा, ताकि हमारा बैकग्राउंड से हमारा जो फेस कलर है वो टोन मैच होने लग जाए। एंड फर्स्ट कलर जो होगा गाइस वो रेड हमारा, जो कि हमारी बैकग्राउंड में हमारी कार है, तो उसकी आप यहाँ से कलर मैनेज कर सकते हो। तो मैं इसको हल्का सा माइनस में करूँगा ऐसे, ताकि थोड़ा सा रेड हो जाए। एंड सेचुरेशन को लिटिल बिट इंक्रीज कर दूंगा ऐसे, ठीक है। एंड ब्लू कलर जो कि हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में स्काई में, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो इसके ब्लू कलर। तो मैं इसका ब्लू कलर की सेचुरेशन हल्के से ऐसे बढ़ा देता हूँ, हल्की सी इसको माइनस कर देता हूँ ह्यू को ऐसे, ठीक है। एंड ये पर्पल कलर का काम भी हमको माइनस कर देना, पर्पल कलर को भी, एंड फिर सिंपली आपको यहाँ से डन कर देना। फिर गाइज हमको फोटो में हल्की सी वाइब्रेंस बढ़ानी है ऐसे, ताकि हमारा फोटो हल्का सा कलरफुल हो जाए, एंड सेचुरेशन को बिल्कुल हल्का सा ऐसे कम। फिर गाइज मैं जाऊँगा नीचे टूल पे, फोटो में क्लियरिटी को बढ़ाऊंगा, ताकि हमारी फोटो क्लियर हो जाए एक नंबर ऐसे, एंड विगनेट को हल्का सा कम करना है ऐसे। देन निचले टूल पे जाना, फोटो में शार्पनेस बढ़ा लेंगे, ताकि हमारी फोटो बिल्कुल शार्प हो जाए ऐसे। एंड शार्प अगर हम फोटो करेंगे तो हमारी फोटो में नॉइस होता है, तो नॉइस को खत्म करने के लिए हमें नॉइस रिड्यूसर को इंक्रीज कर देना है, सारा नॉइस खत्म हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से कलर ग्रेडिंग वगैरह हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जाके थोड़ा हाईलाइट वगैरह मैनेज कर लेते हैं अपनी फोटो का ऐसे, ब्लैक को कम हल्का सा, शैडो को ज़्यादा बढ़ाना है हमें इस फोटो में ऐसे, हाँ ठीक है। देन गाइस हमको जाना है सिलेक्टेड टूल पे, प्लस ग्रेडिएंट हल्का सा नीचे से हम ग्रेडिएंट मारेंगे, देन इसका जो कलर करेंगे हम करेंगे ब्लैक, एक्सपोजर कम करेंगे ऐसे, एंड फिर सिंपली डन कर देना। हल्का सा और मैनेज कर लेता हूँ ऐसे, इधर से जाके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा के ऐसे, ओके गाइस। तो देखिए हमारा पूरा फोटो जो है एक नंबर का तैयार हो चुका है, पूरा मूवी पोस्टर की तरह लग रहा है ये फोटो ना। अगर आप इसमें और मूवी पोस्टर की तरह लुक देना चाहते हो, तो इसके अंदर आपको बहुत बोले तो मतलब आपकी मर्जी से टेक्स्ट से थोड़ा सा PNG ऐड करने पड़ेंगे जगह जगह पे, तो बिल्कुल लुक आएगा मूवी पोस्टर वाला, लेकिन अभी भी इसमें बिल्कुल मूवी पोस्टर बन चुका है। ये देखिए बिफोर फोटो में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, कलर ग्रेडिंग मैच नहीं होती हमारी बैकग्राउंड से, लेकिन हम लाइट रूम में कलर ग्रेडिंग करी, जिसमें हमें काफ़ी बढ़िया इल्यूजन मिल रहा है हमारी फोटो का, एंड काफ़ी बढ़िया कलर टोन मिल रहा है। एंड गाइज देखिए मेरी फोटो की क्वालिटी बिल्कुल कम नहीं है, मैं आपको जैसे दिखाई रहा हूँ, काफ़ी लोगों की क्वालिटी कम हो जाती है। तो गाइज आप पता क्या करना, अभी मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर बैकग्राउंड एंड PNG दूंगा, एंड मैं मॉडल का PNG भी दूंगा। तो मेरी सिंपल सी इस वाली फोटो पर आप एडिटिंग ट्राई कर लेना, फिर आप अपने फोटो क्लिक करा के आराम से एडिट कर लेना, अपने दोस्त वगैरह को बोल के कि भाई मेरी फोटो क्लिक कर दे मेरे तोकिर की तरह, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी डोप लग रही कलर ग्रेडिंग। तो हमें क्या करना है गाइस, सिंपली शेयर पे जाना है,
एक्सपोर्ट पे जाना है, देन यहाँ पे राइट पे क्लिक करके अपनी फोटो को एचडी में अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको दिखाता हूँ फोटो कितने एमबी की अभी सेव हुई, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं मैं एचडी फोटो एडिटिंग करता हूँ, अभी दिखाता हूँ आप गुरु को। तो गाइस ये रही मेरी फोटो, तो मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ, यहाँ डिटेल में ये देखिए गाइस 3 MB की फोटो सेव हुई है। टाइम देख लो, ये देख लो 16 मार्च एंड 3:29 देखो 3:30 हो रही है अभी, अभी की फोटो है ये 3 MB में सेव हुई है। तो देख लो गाइस 3 MB की फोटो फुल एचडी में हमारी सेव हुई है। तो आप कमेंट करके मत बोलना कि एचडी फोटो एडिटिंग नहीं करता मैं, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है मेरा पसंद आया होगा, एंड ये आपको कलर ग्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, एडिटिंग एंड कॉन्सेप्ट भी। तो गाइस आपको क्या करना है गाइस, सिंपली मैंने इतनी मेहनत करी तो अपने भाई के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बता देना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। कि गाइस तो गाइस चल चलते हैं, मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एडिटिंग करो, मौज करो, और एक चीज और, अगर आप अपनी पिक इंस्टाग्राम पर अपलोड करो तो #editsarmy जरूर यूज करोगे, इससे मैं आपकी फोटो देख सकता हूँ, लाइक कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे चल चलते हैं, बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।